लोहड़ी का त्यौहार 13 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। यह त्यौहार उत्तर भारत में पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह त्यौहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस पर्व पर विशेष रूप में पंजाब और हरियाणा में हिंदू और सिख समुदाय के लोग बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। लोहड़ी का पर्व मनाने के लिए रात को लकड़ी का घेरा बनाकर आग जलाई जाती है, जिसे लोहड़ी कहा जाता है। यह अग्नि पवित्रता और शुभता का प्रतीक होती है। इस अग्नि में तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक आदि अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोहड़ी पर आग ही क्यों जलाई जाती है? आइए जानते हैं लोहड़ी के दौरान क्यों की जाती है अग्नि पूजा और क्या है इसका धार्मिक महत्व। जानते हैं लोहड़ी का अर्थ क्या होता है। लोहड़ी शब्द तिलोहड़ी यानी तिल से आया है, जिसका अर्थ है तिल और रोहड़ी। इसका अर्थ है गुड़, इसलिए इसे लोहड़ी कहा जाता है। इस दिन गुड़, गच्चक, तिल जैसे खाने की वस्तुएं अग्नि देवता को चढ़ाई जाती हैं। यह दिन नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और इसके अलावा लोहड़ी सर्दी के मौसम के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। और इस दिन सर्दी अपने चरम पर होती है, उसके बाद जो सर्दी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जानते हैं लोहड़ी पर अग्नि पूजा का क्या महत्व है। लोहड़ी के पर्व का मुख्य आकर्षक रात को जलाई जाने वाली आग है, जिसे लोहड़ी कहा जाता है। लोहड़ी में जलने वाली आग अग्नि देव का प्रतिनिधित्व करता है और इस दिन रात्रि में एक स्थान पर आग जलाई जाती है। सभी लोग मिलकर अग्नि देव को तिल, गुड़ आदि से बनी मिठाइयां अर्पित करते हैं। लोक कथाओं के अनुसार लोहड़ी पर जलाए गए अलाव की लपटे लोगों के संदेश और प्रार्थनाओं को सूर्य देव तक ले जाती हैं, ताकि फसलों को बढ़ने में मदद मिल सके। बदले में सूर्य देव भूमि को आशीर्वाद देते हैं और लोहड़ी के अगले दिन को मकर संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। अब ये जानना जरूरी है कि लोहड़ी पर अग्नि क्यों जलाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लोहड़ी में अग्नि की परंपरा माता सती से जुड़ी मानी जाती है। कथाओं के अनुसार जब राजा दक्ष ने महायज्ञ का अनुष्ठान किया था, तब उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया था, लेकिन शिवजी और सती को आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन इसके बाद भी माता सती महायज्ञ में पहुंची, परंतु वहां उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव की बहुत निंदा की, जिससे आहत सती ने अग्नि कुंड में अपनी देह त्याग दी थी। कहते हैं कि यह अग्नि माँ सती के त्याग को समर्पित है। आप सभी को लोहड़ी पे उसकी ये कथा जान के, उसकी कहानी जान के कैसा लगा है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अर्थ प्रकाश की तरफ से आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।